स्वागत है आपका द हाइलाइट्स न्यूज पर। हाल ही के दिनों में खबरों में रही कनिका कपूर को मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। आपको बता दें कि 16 दिन अस्पताल में रही बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को अभी भी 14 दिन होम क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया है। जहां तक आपको पता होगा, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भारत में 9 मार्च को लंदन से लौटी थी और उन्हें अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया है। 20 मार्च को संक्रमण की पुष्टि के बाद कनिका लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थी, जहां उन्हें 5 बार चेकअप करा गया और 5 बार वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। लंदन से लौटने के बाद तय नियमों का पालन नहीं करने पर कनिका के खिलाफ लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उनके ऊपर 3 FIR दर्ज भी किए गए थे। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने कोरोना वायरस COVID-19 को मात दे दी है। वे देश की पहली सेलेब थी जिन्होंने कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया था। 20 मार्च को उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया था। तब से 5 बार उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। 6वीं रिपोर्ट निगेटिव आने पर रविवार को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अभी 14 दिन उन्हें घर में क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया है। कोरोना वायरस को कनिका ने भले ही मात दे दी है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन नहीं किया था, बल्कि पार्टी में शिरकत करती रहीं। आरोप है कि एयरपोर्ट पर वह जांच से छिपकर भाग गई थीं। इसके चलते उनके खिलाफ लखनऊ के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। वसुंधरा राजे समेत कई को होना पड़ा था क्वारंटाइन। कनिका 9 मार्च को लंदन से लौटी थी, उसके बाद वे लखनऊ के महानगर स्थित एक अपार्टमेंट में रुकी थीं, जहां 700 परिवार रहते हैं। ताज होटल में रखी गई पार्टी में शामिल हुई। 15 मार्च को यह पार्टी कांग्रेस के पूर्व सांसद जितिन प्रसाद के ससुर आदेश सेठ ने दी थी। इस पार्टी में उनके साथ राजस्थान के पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप समेत कई लोग मौजूद थे। तीनों को बाद में खुद को आइसोलेट करना पड़ा था। आपको बता दें कि कनिका कपूर में अपने रिश्तेदार के यहाँ समारोह में शामिल होने गई थी। कनिका के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके साथ पार्टी में शामिल 45 लोगों की जांच भी की गई थी, हालांकि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो दोस्तों, अभी तक की ये द हाइलाइट्स न्यूज़। मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।